CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला राग अनुराग। इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम दादरा, जो राग काफी पर आधारित है। दादरा, दादरे की शैली ठुमरी से मिलती जुलती है, परंतु दादरे की गति ठुमरी से तेज होती है और इसमें स्वरों से खेलने की स्वतंत्रता और उन्मुक्तता अधिक होती है। इसमें प्रमुख भाव श्रृंगार का होता है। दादरा शैली दादरा ताल में ही गाई जाती है। दादरा ताल एक द्रुत और चंचल ताल है। मुख्यतः श्रृंगार तथा नृत्य प्रधान गीत इस ताल में गाए बजाए जाते हैं। इस ताल में 6 मात्राएं होती हैं। दादरा ताल क्या होती है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ताल दादरा। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं, 2 विभाग होते हैं, 1 ताली होती है व 1 खाली होती है। दादरा ताल की पहली मात्रा पर ताली होती है व 4थी मात्रा इसकी खाली होती है। ताल दादरा धा धी ना धा ती ना। अब आप ताल दादरा तबले पर सुनिए। अब आप ताल दादरा के ठेके की 3-4 आवृत्ति सुनिए। ताल दादरा राग काफी पर आधारित दादरा सुनने से पहले आइए राग काफी को भी थोड़ा जान लेते हैं। राग काफी काफी थाट का राग है। इसमें पंचम का प्रयोग अधिकता से होता है। राग काफी में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, शेष सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। राग काफी का वादी स्वर पंचम तथा संवादी स्वर ऋषभ है। राग काफी का गायन समय मध्य रात्रि है। राग काफी का आरोह इस प्रकार है। राग काफी का अवरोह इस प्रकार है। अब प्रस्तुत है राग काफी की पकड़। सा सा रे रे ग ग म म प। सा सा रे रे ग ग म म प। आइए अब सुनते हैं राग काफी पर आधारित दादरा। दादरा की बंदिश के बोल हैं, समुझाई बतियां एक न माने। समुझाई बतियां एक न माने। समुझाई बतियां
समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने, पीर पराई बेदर्द न जाने, 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 समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने। मन की व्यथा को सोई पहचाने, मन की व्यथा को सोई पहचाने, जो कब हूँ पुर में आने, जो कब हूँ पुर में आने, जो कब हूँ पुर में आने, समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने। संगीत भौगोलिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। भारतीय राग केवल भारतीय वाद्य यंत्रों पर ही नहीं बल्कि पाश्चात्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। काल के साथ संगीत के गायन और वादन में परिवर्तन आता रहता है। भारतीय संगीत और राग इतने अधिक समर्थ हैं कि विश्व के अन्य वाद्य यंत्रों पर भी बजाए जा सकते हैं। विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और बहुत अधिक पसंद भी किया जा रहा है। यही नहीं, भारतीय पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ विदेशी वाद्य यंत्रों को मिलाकर भी भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बजाया जा सकता है, जो आजकल फ्यूजन संगीत के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन संगीत के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत बहुत अधिक प्रचलित है। तो अब प्रस्तुत है पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत के साथ दादरा की रचना। बोल वही है, समुझाई बतिया एक न माने, और राग है काफी। समुझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने, पीर पराई बेदर्द न जाने, 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 समझाई बतिया एक न माने, समझाई बतिया एक न माने। मन की व्यथा को सोई पहचाने, मन की व्यथा को सोई पहचाने, जो
जो कब हूँ उर्मे याने, जो कब हूँ उर्मे याने, समझाई बतियाँ एक न माने, समझाई बतियाँ एक न माने, समझाई बतियाँ एक न माने, समझाई बतियां एक न माने। भारतीय संगीत की अनन्य विशेषताओं में से एक है विश्व की समग्र संगीत विधाओं को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता, जिसके कारण यह विहंगम रूप से अपने सौंदर्य की संपूर्णता के साथ वैश्विक क्षितिज पर विस्तारित और परिलक्षित होता है। इसी विलक्षण गुण की झलक के रूप में अब प्रस्तुत है दादरा पारंपरिक और अपारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने फ्यूजन रूप में। संगीत विद्यार्थी एवं श्रोतागण से अनुरोध है कि प्रस्तुत राग और दादरा का स्वर विस्तार अपनी कल्पना से करते हुए अभ्यास करें। राग काफी पर आधारित दादरा। अभी आप सुन रहे थे राग अनुराग श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। परियोजना परिकल्पना प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार बेहरा, श्रृंखला संचालन राजेश निमेश, आलेख परामर्श डॉक्टर इंदु कुमार, विशेष आभार अजीत होरो, आलेख अनुसंधान एवं संगीतकार राकेश पंडित, आलेख सहयोग रवीश त्रिपाठी, गायन स्वर पंडित निर्माल्य डे और नेहा खंकरियाल, वाचन स्वर जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और मीनाक्षी कुकरेती, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।